आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर जो कि केदारनाथ से जुड़ी हुई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर जानकारी आप जानिए। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी है इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था जो कि टल गया। पायलट ने हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग करा ली है। चारधाम यात्रा चल रही है, देश विदेशों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर में कई तीर्थयात्री सवार थे। अगर तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था जिसे पायलट की सूझबूझ के चलते टाला गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर के जरिए यानी कि इन चॉपर्स के जरिए श्रद्धालुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जिससे यात्रा सरल हो जाती है। आमतौर पर जो बीमार या फिर बुजुर्ग लोग हैं वो खासतौर पर, या फिर जो इतना चल नहीं सकते वो खासतौर पर इन चॉपर्स का सहारा लेते हैं। ऐसे में केदारनाथ से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए, क्योंकि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग पायलट की सूझबूझ के चलते हादसा होने से टल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी हेलीकॉप्टर में कई तीर्थयात्री सवार थे जिन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जाना था। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। पायलट ने सूझबूझ दिखाई जिसके चलते तुरंत उसने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। कुछ बताया जा रहा है कि खामी रही हेलीकॉप्टर में, जिसमें अगर वो लगातार उड़ान भरता रहता हेलीकॉप्टर, अगर पायलट सुरक्षित लैंडिंग न कराता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वादियां आपको नजर आ रही हैं, और यहीं पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। और हेलीकॉप्टर जो आपको अभी फिलहाल जमीन पर लैंड हुआ दिखाई दे रहा है, पायलट ने तुरंत सूझबूझ का सहारा लिया और अपनी समझ के चलते ही हादसा होने से बचा लिया और तुरंत हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में कई तीर्थयात्री भी सवार थे, सभी की जान महफूज रखी गई और सभी को सुरक्षित लैंड करा दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर से बवाल हुआ है। आधी रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर